जी कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ही ठीक होंगे। तो फाइनली मोटोरोला ने अपनी जी सीरीज के अंदर दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए, मोटो जी 40 फ्यूजन एंड मोटो जी 60, जो अभी फिलहाल मेरे पास है यहाँ पर। और ये 17999 की प्राइस में बेसिकली लॉन्च हुआ है। तो क्या कुछ नया लेके आया है मोटोरोला इस बार, और एग्जैक्टली में ये मोटो जी 60 कैसा परफॉर्म करता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को एक क्विक सी अनबॉक्सिंग के साथ। तो काफी सिंपल सा बॉक्स है यहाँ पर, और इसके अंदर हमें 20 वॉट का फास्ट चार्जर, टाइप सी केबल, सिम इजेक्टर पिन, कुछ यूजर मैनुअल वगैरह है, और कवर ऑलरेडी यहाँ पर फोन के ऊपर लगा के दिया हुआ है। तो हाँ, कवर देखने को मिल जाता है बेसिकली। एंड इन सब के अलावा ऑब्वियसली मोटो जी 60 है यहाँ पर, जो मेरे पास इस ग्लोसी फिनिश के साथ है, और ये ग्रे कलर है। इसके अलावा एक सिल्वर कलर भी अवेलेबल है, और मोस्ट प्रोबेबली शायद वहाँ पर फ्रॉस्टेड बैक देखने को मिलेगा। बट हाँ, ऑलरेडी मुझे फोन को हाथ में लेके फील हो रहा है कि हाँ, अच्छा खासा बड़ा डिवाइस है, सिंगल हैंडेड तो नहीं यूज़ किया जा सकता, साथ ही साथ थोड़ा हैवी भी है। तो इसका वेट एक्चुअली मैं कुछ 222 ग्राम यहाँ पर निकल के आया है, तो ये चीज़ें हैं। बट हाँ, ओवरऑल ऐसे दिखने में तो पीछे से काफ़ी सही सा लग रहा है ये, लेकिन हाँ है ये पॉलीकार्बोनेट ही, तो कवर लगा के रखना, अदरवाइज आपको काफ़ी सारे स्मर्जेस या फिर स्क्रैचेस इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर फ़ोन की डिस्प्ले से। इसमें मतलब काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगी है। पहले तो बता दो, 6.8 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले यहाँ पर दी हुई है, जो कि SDR10 सर्टिफाइड है। तो ओवरऑल क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, मतलब अभी जब से ये फ़ोन मेरे पास आया तब से मैं इसी में सारे वीडियोस वगैरह देख रही हूँ, तो कलर्स वगैरह अच्छे निकल के आते हैं, व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, तो क्वालिटी के हिसाब से मतलब कोई कमी नहीं होने वाली है। और स्पेशली जिन लोगों को बड़ी साइज़ की डिस्प्ले पसंद आती है उनके लिए तो मतलब प्लस पॉइंट है ही। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ मतलब जो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी इम्प्रूव की जा सकती थी, वो हैं इसके बेजल्स, स्पेशली जो नीचे की चिन वगैरह है वो थोड़ी अगर और शॉर्ट होती यहाँ पर, तो आई गेस डिस्प्ले थोड़ी एस्थेटिकली दिखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकती थी। बाकी इसके अलावा 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट पैनल दिया हुआ है, और बाय द वे ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। मतलब आप ओवरऑल फ़ोन को जब यूज़ करोगे, कुछ भी इसमें ब्राउज़ वगैरह करोगे या फिर UI को भी यूज़ करोगे, तो 120 हर्ट्ज़ की वजह से आपको डिस्प्ले ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील होगी। और ऐसा नहीं है या तो आप 60 हर्ट्ज़ में रखो या फिर 120 हर्ट्ज़ में, नहीं, आप ऑटो में भी रख सकते हो, जहाँ पर एक्चुअली में डिस्प्ले को ज़रूरत होगी 120 हर्ट्ज़ की या फिर हाइयर रिफ्रेश रेट की, वहाँ पर वो हाई करेगा। अदरवाइज़ आप हमेशा 120 हर्ट्ज़ में ही रखोगे तो आपको भी पता है आपकी बैटरी बर्बाद हो जानी है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा फ़ोन, तो वो चीज़ है, आप ऑटो में भी रख सकते हो। बाकी पीक डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाती है, मतलब नोटिफिकेशन वगैरह आप डायरेक्टली फ़ोन की डिस्प्ले से यूज़ कर सकते हो, जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होती है उस तरह की। बट खैर, अभी बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक ऐसे फीचर के बारे में जो मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में शायद हमें पहली बार देखने को मिल रहा है। मतलब 18,000 की प्राइस में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लेंस दिया हुआ है, 8 मेगापिक्सल का वाइड प्लस मैक्रो, मतलब दोनों इसी में है, और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यहाँ पर दिया गया है। तीन कैमरा सेटअप है बेसिकली। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, ऑन पेपर मतलब देखा जाए तो भर भर के स्पेक्स दे दिए हैं, बट ऑनेस्टली बताऊँ तो जितना अभी तक मैंने इसको यूज़ भी किया है मोटो जी 60 को, उस हिसाब से मैं बोलूँगी कि हाँ, मुझे कैमराज एक्चुअली में अच्छे लग रहे हैं। चाहे मैंने मतलब फ्रंट कैमरा के सैम्पल्स देख लो, रियर कैमरा के सैम्पल्स देख लो, वाइड एंगल वगैरह से भी जो फोटोज़ निकाले, मैक्रो शॉट्स भी जो लिए हैं, मुझे ओवरऑल डिटेलिंग सब में अच्छी देखने को मिली है। कलर कॉन्ट्रास्ट अच्छा है यहाँ पर, आप अच्छी खासी डायनेमिक रेंज कैप्चर कर सकते हो, प्लस मतलब ह्यूमन स्किन टोन्स के जो कलर्स वगैरह वो भी मैं बोलूँगी काफ़ी हद तक नेचुरल साइड पर। तो हाँ, अभी फिलहाल तक तो मुझे कैमरास अच्छे लग रहे हैं, बट डेफिनेटली अभी मैंने मतलब उस लेवल का कैमरा को यूज़ नहीं किया है। हर एक लाइट कंडीशन में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ कोई कमी तो नहीं है, मतलब टफ सिचुएशंस वगैरह में अभी टेस्ट करना बाकी है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम तक आपको और भी अच्छे से डिटेल में ये चीज़ें पता लग पाएंगी, लेकिन हाँ, इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से मुझे पसंद आए हैं फ़ोन के कैमरास। वीडियोस वगैरह के बारे में अगर बात की जाए तो आप यहाँ से फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ से 4K 30 FPS तक की सेटिंग में मैक्सिमम वीडियो शूट कर सकते हो। वाइड एंगल से अगर शूट करोगे तो वहाँ पर फुल HD तक की सेटिंग में आप वीडियो बना सकते हो। और एक्चुअली में यही एक डिफरेंस है मोटो जी 60 और मोटो जी 40 फ्यूजन में, क्योंकि मोटो जी 40 फ्यूजन में 64 मेगापिक्सल की ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट है, और यहाँ तो मैंने आपको बता ही दिया कि पीछे 108 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। बट एनीवेज, इस फोन का जो एक वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटिंग पार्ट है वो है इस फोन की परफॉर्मेंस। स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट यहाँ पर दिया हुआ है। काफ़ी लोगों को लग सकता है मतलब इसमें इतना भी क्या हाईलाइटिंग वाली बात है, काफ़ी सारे फोन में ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो एक्चुअली मैं दो पॉइंट से इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी यहाँ पर। पहली चीज़ तो स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट विद स्टॉक एंड्रॉयड, मतलब आपको पता ही होगा ना कि स्टॉक एंड्रॉयड वाली क्या फील होती है, कितना क्लीन वो होता है, तो उसकी वजह से ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है, जो ऑप्टिमाइजेशन की गेम होती है,
होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो उस हिसाब से आपको पहली चीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ कि स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट एट 17999 की प्राइस में, और उसके ऊपर भी अगर मैं बोलूँ तो 10% का मतलब आपको ICICI बैंक वगैरह की तरफ से भी डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 1500 तक का ऑफ मिल जाएगा। तो 16,500 की प्राइस में ये फ़ोन बेसिकली आपको पड़ने वाला है। और अगर आपको यही परफॉर्मेंस और भी मतलब अच्छी प्राइस में चाहिए, देन मोटो G40 फ्यूजन जो कि 14,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ है बेस वेरिएंट, और वहाँ पर आपको 1,000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट वही ICICI बैंक की तरफ से मिलेगा। तो 13,000 की प्राइस में ये सेम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, दोनों फ़ोन में कुछ डिफरेंस है, वो कैमरा डिपार्टमेंट में है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज एक जैसा सा है। बाय द वे वो फ़ोन भी जैसे ही मुझे रिसीव हो जाएगा, मिल जाएगा, वो डेफिनेटली उसका भी रिव्यू आप लोगों को जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। बट हाँ, एट दी एंड मेरा पॉइंट ये है कि प्राइस के हिसाब से जो प्रोसेसर दिया गया है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इस वजह से मैं इसको हाईलाइटिंग पॉइंट में काउंट कर रही हूँ। लेकिन जितना अभी तक मैं इसको यूज़ कर पाई हूँ, जितना मैंने इसको डे टू डे लाइफ में यूज़ किया है, फिर थोड़े बहुत गेम वगैरह भी खेले हैं, तो बता दो COD आप यहाँ पर मैक्सिमम हाई सेटिंग्स तक खेल सकते हो, और ओवरऑल UI की वजह से आपको काफ़ी अच्छा ओवरऑल फ़ोन फील होने वाला है। बिकॉज स्टॉक एंड्रॉइड, मतलब स्टॉक एंड्रॉइड मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, एकदम कंप्लीट वनीला स्टॉक है। आई मीन डेफिनेटली मोटो ने यहाँ पर अपनी खुद की थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन दी हुई है, जिससे आप थोड़ा आइकन्स वगैरह का डिज़ाइन वगैरह बदल सकते हो, और यहाँ पर हमें फेसबुक भी देखने को मिला है जो ऑलरेडी इसमें डला हुआ आया था। तो हाँ, कम्प्लीटली स्टॉक नहीं है, और बेसिकली आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, जो मेरे अकॉर्डिंग नई चीज़ है। एक NFC का सपोर्ट भी फ़ोन के अंदर दिया हुआ है, तो हाँ मतलब ओवरऑल आपको फ़ोन को चला के मज़ा आ जाएगा, बिकॉज एकदम नीट एंड क्लीन ना किसी एडवर्टाइजमेंट के ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। तो हाँ, UI का फील बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट बाय द वे, अभी तक अगर मैंने ये चीज़ मेंशन नहीं करी है तो बता देती हूँ, फ़ोन के अंदर हमें करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और अभी तक मुझे अच्छे खासे 4G प्लस सिग्नल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि फ़ोन की नेटवर्क कनेक्टिविटी, कॉल क्वालिटी वगैरह मुझे पसंद आई है। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, मतलब यहाँ पर हमें एक बिजनेस ग्रेड की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई गई है, थिंक शील्ड का प्रोटेक्शन प्लान हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मतलब आप अपने डिवाइस पर थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हो, बिकॉज आजकल के टाइम पर बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को डाउट होता है कि मतलब कहीं हमारा डाटा वगैरह सिक्योर है भी हमारे फ़ोन के अंदर या फिर नहीं। तो ये अच्छी चीज़ है कि मोटोरोला ने इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दिया है यहाँ पर। बाकी इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि ये जो मोटो G60 वो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ मतलब एक ही वेरियंट इसका लॉन्च हुआ है, और यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल रहा है। तो स्टोरेज एक्सपेंड करनी है तो डेफिनेटली 1TB तक कर सकते हो, लेकिन वही बात है, या तो 2 SIM कार्ड डाल लो या फिर 1 SIM के साथ अपना स्टोरेज एक्सपेंड कर लो, आपकी चॉइस है। कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है। और डेडिकेटेड वॉइस असिस्टेंट का बटन भी है, जो कि अगर मतलब अलग जगह पे होता तो बेटर होता, क्योंकि तीनों ही बटन एक साथ दे दिए हैं। तो शुरुआत में जब फ़ोन यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, आई मीन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो पावर बटन है, इसमें एक अलग सा टेक्स्चर बना हुआ है, जिसकी वजह से ये डेफिनेटली अच्छे से रिकॉग्नाइज हो जाता है कि हाँ ये पावर बटन है, जो कि अच्छी चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी पीछे की तरफ है फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि फास्ट है, एक्यूरेट भी है, लेकिन हाँ बैक साइड में है, जनरली आजकल थोड़ा साइड में आने लगे ना, बट यहाँ पर साइड में 3 बटन दे दिए तो जगह ही नहीं बची थी, तो हाँ ये है। बट एनीवेज यार, अभी आगे बढ़ने से पहले, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है, देन मेक श्योर कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना यार बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई है। बट खैर, अभी बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फ़ोन के बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में। जिस वजह से ये फ़ोन इतना हैवी है, उसके पीछे रीज़न 6000mAh की बैटरी है डेफिनेटली। तो हाँ, अभी कितना ये बैकअप दे पाएगी, कितने दिन तक मेरे यूसेज में ये मुझे बैकअप दे देगी, ये तो यार मैं थोड़ा और टेस्ट करूँगी तभी आप लोगों को बता पाऊँगी। बट हाँ, अभी तक जितना ऑन पेपर देखने को मिल रहा है, बैटरी डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे लग रहा है यहाँ पर। बाकी तो यार, आई होप कि इस ओवरऑल वीडियो से आपको काफ़ी कुछ पता लग गया होगा मोटो G60 के बारे में। ऑनेस्टली अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मेरे अकॉर्डिंग प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी कुछ इस फ़ोन के अंदर डाल के दिया गया है, मतलब फुल ऑफ लोडेड फीचर्स हमें फ़ोन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहा है किसी भी वे में यार, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।